नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड जो आपकी रेगुलर टू ईयर कोर्स है 2021 ऑनवर्ड्स, उसका किस तरीके का अब की बार 2024 में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आया है, आज उसको ही हम एनालाइज करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ रोल नंबर का सेक्शन होता है और यहाँ पर एग्ज़ाम कोड यहाँ पर आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है, सब्जेक्ट कोड हमारा यहाँ पे लिखा होता है। इन दोनों की नीड हमें तब होती है जब हमें क्या करना होता है, जब हमें अपनी आंसर शीट में फिल करना होता है। तो ये रेगुलर और जो रीपेयर के बच्चे हैं, चाहे वो मेंस दे रहे हो, आपका मेन पेपर हो, चाहे आपका रीपेयर का पेपर हो फर्स्ट ईयर में, तो ये दोनों के लिए सेम क्वेश्चन पेपर यहाँ में जीजे यूनिवर्सिटी का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में यहाँ पे बीएड 109 क्या है, पेडागोजी ऑफ जो मैथमेटिक्स है इसका कोड है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो थ्योरी का पेपर है हमें 3 घंटे मिलते हैं इसको करने के लिए और मैक्सिमम मार्क्स 70 होते हैं। अब हमें यहाँ पे नोट भी देखने को मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि हमें टोटल यानी ओवरऑल हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर यूनिट से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है सिलेक्ट करते हुए। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सभी को करना होता है, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। हर एक एक क्वेश्चन जो है वो बराबर यानी सेम जो अंक है उनका होता है, इक्वल मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कंपलसरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हो इसमें 4 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं और हर एक एक जो पार्ट है वो 3.5 नंबर का होता है, तो टोटल क्वेश्चन हमारा 14 मार्क्स का हो गया। यहाँ जो 4 पार्ट हैं इनमें हमें देखने को मिलता है, तो ये फर्स्ट जो हमारे पास इसका पार्ट है इसमें हमें कहा है यूज़ ऑफ वेन डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक संक्षिप्त टिप्पणियाँ यहाँ पे लिखनी है, प्रस्तुत करनी है अपने क्वेश्चन पेपर के जरिए अपनी आंसर शीट में। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम क्या होते हैं, प्रोजेक्टिव एड्स क्या होते हैं, टीचिंग एड्स, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, ये तो कॉमन टॉपिक है हर एक हमारे सब्जेक्ट का, राइट। तो CCE हमारा 4th यहाँ पे पार्ट हमें देखने को मिलता है, तो ये चारों ही हमें अच्छे से यहाँ पे इनके बारे में लिखना था। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हमारी पहली इकाई आ जाती है यानी हमारी यूनिट नंबर 1 आ जाती है, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स इन डिटेल मैनर। और हमें एक्सप्लेन करना था कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है ये क्या बताती है कि हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से लिखने चाहिए बिहेवियरल टर्म्स में, और हमें बिल्कुल ही डिटेल में इनको एक्सप्लेन करना था यानी विद एग्जांपल हमें साथ में समझाते हुए चलना था। तो या तो आप ये कर सकते थे या फिर आप ये 3rd क्वेश्चन कर सकते थे। 3rd क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आपको जो मैथमेटिक है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना था और क्या है इसके जो स्पेशल इम्फेसिस है, यानी आपको इसके ऊपर ज़्यादा जोर डालते हुए बताना था कि जो हमारा हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, इसमें किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता था, इसके बारे में हमें अच्छे से डिस्कस करना था। इसके बाद हमारी आ जाती है यूनिट नंबर 2, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करके अटैम्प्ट करना है, जो है क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था, पेडागोजिकल एनालिसिस करना था, या फिर हम क्या कर सकते थे इसके अगला जो 5th क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो 4th में हमें 2 यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इन दोनों में से हम किसी भी एक टॉपिक को चूज़ करके उसके बारे में यहाँ पे हम एक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कर सकते थे, पेडागोजिकल एनालिसिस कर सकते थे। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, हमारे पास थे इक्वेशंस और वॉल्यूम्स, इन दोनों में से कोई भी चूज़ करो, पेडागोजिकल एनालिसिस कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते थे, व्हाट इज एनालिटिकल सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन इट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आपको ये एक्सप्लेन करना था कि एनालिटिक और सिंथेटिक मेथड क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, और आपको अपने जो आंसर है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सुटेबल एग्जांपल्स भी देने थे। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते थे। फिर हमारी यूनिट नंबर 3 आ जाती है। अब जो इकाई 3 है इसमें हमें फिर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटिक्स क्लब, आप मैथमेटिकल क्लब से क्या समझते हैं, डिस्कस द वेरियस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज बाय मैथमेटिकल क्लब्स इन स्कूल्स। और आपको ये भी डिस्कस करना था कि किस प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है वो आयोजित की जाती हैं इन मैथमेटिक क्लब्स के द्वारा विद्यालय में। तो आपको 2 या 3 से ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं और किस तरीके से उनका जो इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर पहुँचता है, ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना था। उसके बाद 7th क्वेश्चन अगर आप चूज़ करते हो तो इसमें आपको क्या बताना था, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती हैं, यानी सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है ये बताना था, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करनी थी, और एक माइक्रो लेसन प्लान बनाना था जिसकी हेल्प से आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस की जो माइक्रो टीचिंग स्किल है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था।
फिर अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें तो हमारी है हमारे पास फोर्थ यूनिट जो है हमारी इकाई नंबर 4। इसमें फिर एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते थे आप। एट्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिस्कस द मीनिंग एंड नीड ऑफ इवेल्युएशन। हमें इवेल्युएशन का मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या होता है और उसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, दोनों को अच्छे से डिस्कस करना था और हमें डिफ्रेंशिएट भी करना था, डिफरेंस भी बताना था फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन के बीच में, ठीक है। अगर आप नाइन्थ क्वेश्चन चूज़ करते तो आपको ये करना था एलोबरेट द रोल ऑफ मैथमेटिक टीचर एसोसिएशन जर्नल एंड अदर रिसोर्स मटेरियल मैथमेटिकल एजुकेशन, कि जो मैथमेटिक टीचर है उसके एसोसिएशन का क्या रोल होता है टीचिंग के अंदर, जर्नल का क्या होता है और बाकी जो रिसोर्स मटेरियल होते हैं जैसे किट्स होती हैं इनका मैथमेटिकल एजुकेशन में क्या रोल होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ को एलोबरेट करते हुए आपको लिखना था, ठीक है। तो पेपर मुश्किल नहीं था, अगर आप अच्छे से तैयारी करते, अच्छे से क्लास अटेंड करते तो बहुत इजी था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आउट ऑफ सिलेबस आई हो। तो आई होप सबका पेपर बढ़िया गया हो और जो आने वाले बच्चे हैं जो आगे बीएड करेंगे और जो इसको पेपर को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जो पेपर है वो सिलेबस से ही आता है, तो डे वन से ही आप क्या करें अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें। इसके अलावा अगर आप बाद में अगर टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आपके जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है या आपके जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होंगे उसमें कुछ पोर्शन आपका यहां से आता ही आता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपनी रेगुलर क्लासेस को यहां पे साथ ही में चलते रहेंगे, उनको यहां पे अटेंड करते रहेंगे और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।